जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के द्वारा संपूर्ण जिले के CSP, SDOP एवं थाना प्रभारी चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस चेकिंग 11 से 1 बजे तक करने हेतु निर्देश दिया था, जिसके पालन में CSP तरुणन सिंह बघेल पीथमपुर के नेतृत्व में थाना प्रभारी सागर राजेंद्र सिंह भदौरिया और चौकी प्रभारी दिग्ठान योगेंद्र सिंह जाधौन और उनके स्टाफ के द्वारा जीरो टॉलरेंस की चेकिंग अभियान चलाया। मोटर व्हीकल उल्लंघन करने वाले 61 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर कुल 61 चालान बनाकर 27,250 का शमन शुल्क वसूला गया। चेकिंग के दौरान बिना नंबर के वाहनों को थाना खड़ा कराया जाकर जांच पड़ताल के बाद छोड़ा गया और काली फिल्म लगाए वाहनों की मौके पर काली फिल्म निकालकर उनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। चालानी कार्रवाई की गई इसके बारे में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री आदित्य प्रताप सिंह सर के द्वारा सभी थाना प्रभारी SDOP महोदय को इस जीरो टॉलरेंस चेकिंग हेतु बताया गया था। उसी के पालन में हमारे द्वारा सागौर क्षेत्र में 61 वाहन चालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और यह अभियान भी निरंतर जारी रहेगा। इसमें फिल्में काली फिल्में निकालने वाले फिल्म चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सर अभी तक कितने चालान बने? अभी तक 61 कुल चालान बनाए जिसमें 27,250 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। आपका नाम? राजेंद्र सिंह भदौरिया सागौर थाना प्रभारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।